अच्छा थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल देखें फर्स्ट क्वार्टर पे तो थोड़ा सा पड़ला भारी रहा अटैक के हवाले से ट्राइबल लाइंस का, दानिश क्या कहेंगे? हॉकी इज वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ साहब आप हाइलाइट्स भी देखें कितने एक्साइटिंग पहला क्वार्टर हुआ है। ये स्कोरिंग का मोहताज नहीं है, इसमें गेम 0-0 पर खत्म होकर भी बड़े ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहते हैं। देखें दोनों ही टीमों ने एक दूसरे पर पैदल पर हमले किए, दोनों ही टीमों को कॉर्नर्स भी मिले, पेनल्टी कॉर्नर्स, लेकिन दोनों ही टीमें गोल स्कोर नहीं कर पाई। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों को। शिबा पेशावर की बात कर रहे थे, यकीनन ओवरऑल अगर पेशावर को देखा जाए, दी एग्जिस्टेंस सिटी 2500 साल पुराना, और खानों के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से, पुख्तोवली के हवाले से, तो कैसे कैसे आप देखती हैं जो इवेंट्स हो रहे हैं स्पेशली, और बहुत स्पोर्ट्स हो चुकी है, क्या कहेंगी इसके बारे में? इजाज़ साहब आपको अगर मैं बताऊं कि पेशावर के लोग और स्पेशली पख्तून जो है वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं, ठीक है। अब हमारी जो टीमें आई हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों से आई, इसमें पख्तून भी है, तो हमारी पख्तून कल्चर को भी जो है ना ये ज़िंदा कर रहे हैं जी, तो यही खिलाड़ी जो है यहाँ पर उनको मौका भी मिलता है। और दूसरी बात अगर मेहमान नवाजी की अगर हम बात करें तो पख्तों की वो मतल दे जे पख्तून नो मेहमान नवाज के डेर मखे दे दान होता सुमन है कना खैर दा बमु बिया अनिस दानिश से तबा मु उर्दू की बात ट्रांसलेशन हु मुको देर देर मेहमान नवाज दे बेशक। बिल्कुल दानिश जो है वो यकीनन दो वीक से इधर हैं और इनको तो बिल्कुल ये समझ आ भी रही है। यकीनन ये ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रदरहुड डेवलप हो हुई है प्लेयर्स अमंग प्लेयर्स, तो यकीनन ये लीग जो है बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और गेम का ये सेकेंड क्वार्टर शुरू, बॉल इस वक्त ट्राइबल लाइंस के हाथ में, और ये बहुत खूबसूरत देखें हमाद अंजुम का ये अच्छा पास, लेकिन इंटरसेप्ट किया। काफ़ी चेक है राणा पे, और राणा वहीद को काफ़ी चेक किया दानिश, दो दो प्लेयर्स राणा के साथ ही बिल्कुल ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल इसके बगैर ये गेम बनू पैंथर्स के लिए जीतना शायद इतना आसान ना हो, क्योंकि अनलेस आप राणा वहीद जैसे प्लेयर के लिए गेम प्लान बना के आए आप उसको काबू नहीं कर सकते। एक बार फिर बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं बड़ी फुर्ती के साथ राणा वहीद, दो दो प्लेयर्स को टॉच करके आप डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अदर रियली गुड पास जहां अफराज मौजूद थे, लेकिन बॉल इंटरसेप्ट हुआ। बिल्कुल ये अच्छा मूव था राइट से, और यही वो अटैक्स हैं जो कि चाहिए गोल लीड लेने के लिए, लेकिन बनू के डिफेंडर्स यकीनन बहुत टाइमली चेक और इंटरसेप्ट किया इसको, और बहुत अच्छे बनू की भी रिस्पांस अगर ओवरऑल अब देखें डिफेंडर्स बड़े अच्छे खेल रहे हैं इसमें, फैसल कादर इब्रार उसामा ये डिफेंस में बहुत अच्छे खेल रहे हैं। एक बार फिर बन्नू की पोजीशन में बॉल, थोड़ा सा ठहराव के साथ इस बार मूव बनाने की कोशिश, बट लॉन्ग पास सीधा डी के अंदर दाखिल हुए। खैरुल्लाह थे जिनसे बॉल सही तरह कंट्रोल नहीं हुआ, उनके दो दो डिफेंडर्स भी मौजूद। यहां पर अमजद ने बॉल को क्लियर किया, अब की बार राणा वहीद एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते हुए, थोड़ा सा सादा पुश कर गए बॉल को। बिल्कुल बहुत स्लो पुश थी और थोड़ा सा तेज देना चाहिए था, टैप इन लेना चाहिए था, काउंटर अटैक। एक चीज आप दानिश आपने नोट की होगी कि कप्तान रोमान जो है एज ए डिफेंडर बड़ा अच्छा कम अप किया है इसने, इस यंग चैप ने, और बड़ा अच्छा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है डिफेंस को। बिल्कुल जिम्मेदारी संभाली हुई है, इवन दो रोमान को पिछले मैच में भी कुछ ग्रीन कार्ड्स मिले थे, इस मैच में भी ऑलरेडी उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, सो ही इज पुटिंग एवरीथिंग ऑन द लाइन एंड डिफेंडिंग हिज गोल पोस्ट, दैट्स व्हाट ही नीड्स टू डू एज अ कैप्टन एज वेल। बनू हारून का इशारा, बनू के पास बॉल और टॉप ऑफ द डी इनसाइड, लेकिन अच्छा टाइम अप किया। इब्रार का ये अच्छा
मुइन शकील बारहा कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुइन शकील के लिए भी प्लान्स इन प्लेस हैं ट्रैवल की जानिब से। अच्छा पुश मिस किया, ओह ये चांस और रोक ना सके। यकीनन ये अच्छा मौका था खैरुल्ला के लिए, लेकिन वो रोक ना सके डी में। लॉन्ग पास सीधा राणा वहीद के पास, तने तना आगे बढ़े, उनके सामने दो दो डिफेंडर, दोनों को चकमा दिया और ये दैट वाज सो क्लोज। तीन खिलाड़ियों को डॉज देने के बाद और यकीनन ये श्योर गोल होना चाहिए था। बहुत खूबसूरत इन्होंने, देखें एक्शन रिप्ले कहां से, ये देखें बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों के बीच में से बॉल और फिर तीसरे को डॉज देने के बाद बैलेंस किया और ये हिट यकीनन पोल में जानी चाहिए थी। राणा की अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश, बाल बाल रह गए और बाल बाल बच गए बनू पैंथर्स। अच्छे मौके बनू पैंथर्स के खिलाफ ट्राइबल लायंस, यकीनन बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन राणा वहीद की, हमात और अफराज। शीबा यकीनन हमारे साथ मौजूद। शीबा जरा हिंको के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपको तो माशाल्लाह हिंको भी आती है, क्या कहेंगी हिंको के बारे में, कैसा, बहुत मीठी जुबान है हिंको। जी बिल्कुल इजाज, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है, पेशावरी जुबान है, हिंको जुबान है, लेकिन ये कि हिंको मेरी अगर मैं बोलूँ तो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं स्वानो हिंको गल कर लेसा, लेकिन मेरी हिंको इतनी क्लियर नहीं है जी। तुसी ठीक कहते हो, यकीनन हिंको इनकी ठीक नहीं है और यकीनन हिंको बहुत मीठी जुबान है और पेशावर की अपनी जुबान, बहुत ओल्डेस्ट सिटी और किस्सा खानी मशहूर है यकीनन उसके हवाले से कि सेंचुरीज ओल्ड जो वॉरियर्स यहाँ से आते रहे उनका मस्कन रहा। और ये चांस है बहुत खूबसूरत, ये पेनल्टी कॉर्नर लिया, बिल्कुल काफ़ी शानदार पास था राणा वहीद का हसन के लिए, लेकिन हसन ने जब अपने सामने जमघटा देखा तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि वो पेनल्टी कॉर्नर हासिल करेंगे। देखिए ये देखें बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और टच किया, कैरिड हुआ और अंपायर का ये क्विक इशारा पेनल्टी कॉर्नर का। ये एक और पेनल्टी कॉर्नर, थर्ड पेनल्टी कॉर्नर है ट्राइबल लाइन का। राइट, अब देखना होगा कि ट्राइबल लाइंस किस तरह अप्रोच करती है इस पेनल्टी कॉर्नर को। सेकंड क्वार्टर और थर्ड पेनल्टी कॉर्नर, पहले दो पेनल्टी कॉर्नर लेक ऑफ ड्रिल्स वेस्ट कर चुके हैं, देखते हैं इसको किस तरह ये टीम अप करते हैं, कैसे लेते हैं। ऑलरेडी सम चेंज देयर, हमाद अंजुम ने अपनी पोजीशन चेंज की है और वो राइट साइड पे चले गए, लेफ्ट साइड पे अब कप्तान आ गए हैं रोमान इसको लेने के लिए। देखें रोमान, और रोमान का ये ड्रैग पुश और अमजद इज देयर ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आगे आए और देखें ये राणा का बॉल फिकी और ये अमजद का खूबसूरत और बिल्कुल कॉर्नर में ये गोल। अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले दो पेनल्टी कॉर्नर से जो अमजद ने लिए, एक बहुत स्ट्रेट था, एक ग्राउंडेड था, ये पहला पेनल्टी कॉर्नर था जो राइट टॉप राइट पे गया एंड दैट्स व्हाई दे गॉट अ गोल देयर। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और हो सकता है कि वो पहले वाले भी थोड़ा सा उसको पुश उठाना चाह रहे हों, स्कूप करना चाह रहे हों, लेकिन ये बहुत टाइमली हुआ और बड़ा क्विक हुआ ये, और इस तरह एक गोल की लीड सेकेंड क्वार्टर में ट्राइबल लाइंस को एक गोल की बरतरी। बड़ी अच्छी कम्बिनेशन राणा और हमाद की, अफराज साथ में। आदिल लतीफ के साथ बॉल राइट पे और कंफर्म बॉल देना चाह रहे हैं हमाद की तरफ, हमाद से ये इंटरसेप्ट हुई और इस तरह ये खतरा टला। बनू पैंथर्स का काउंटर अटैक लेफ्ट से, राइट मुइन शकील का पास रोमान के लिए, रोमान से मुइन और ये मोइन को पुश किया गया
और साथ में येलो कार्ड भी दिखाया। हारून ने पाकिस्तान एयरफोर्स से इंटरनेशनल अंपायर हैं और ये देखें बिल्कुल ये मोइन और ये पुश किया और इसके नतीजे में ये पेनल्टी कॉर्नर और वो सफाई पेश कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मैंने तो धोखा नहीं दिया हमें नजर आ गया जी रिप्ले में आ गया बिल्कुल। और ये इस तरह दूसरा पेनल्टी कॉर्नर पेनल्टी कॉर्नर ये बनु पैंथर को देखते हैं बनु पैंथर किस तरह इसको यूटिलाइज करती है। बनु पैंथर्स के फैसल कादर मौजूद हैं और यकीनन इब्रार बॉल को रोकेंगे मुईन बॉल फेंकेंगे इब्रार रोकेंगे ये मुईन और इन्हीं की कोशिश थी बॉल रुकी और ग्राउंडेड अच्छा सेव गोलकीपर का ट्राइबल लाइन के गोलकीपर का ये अच्छा सेव। बिल्कुल इजाज़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं बड़ा अच्छा यहाँ पर माहौल भी पेश हो रहा है और जियो सुपर पे लाइव जा रहा है तो इसका तो अपना ही मज़ा है। यहाँ पर लोगों को देखना चाहिए कि हमारा जियो सुपर जो है ना कितना ज़बरदस्त किस्म का लाइव मैच बता रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और यकीनन जो देखने वाले हैं वो ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और साथ में जो हमारी पेशावर की जो रवायात है वो भी हम जो है ना व्यूवर्स को बता रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का पेशावर का माहौल है पेशावर के लोग हैं पेशावर जो कराची के लोग हैं उनको पेशावर आना चाहिए जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको पेशावर आना चाहिए और हम उनके लिए जो है ना यहाँ पर मेहमान नवाज यहाँ पर उनको लोग मिलेंगे जी। फिलहाल दोनों ही टीमें कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे की रच के मेहमान नवाजी की जाए। बिल्कुल आदिल बहुत कोशिश आदिल लतीफ बहुत कोशिश कर रहे हैं पीछे से और डॉच किया अच्छा बॉल दिया राणा वहीद और ये मिस कर दिया। ज़ियाद का ये अच्छा मौका मिला था दानिश क्या कहेंगे आप। बिल्कुल एंगल काफ़ी कम था ज़ियाद के पास बट दिस इज़ वेयर ब्रिलियंस कम्स इन और ज़ियाद की कोशिश ज़रूर अच्छी थी शायद डायरेक्शन मिस कर गए। एक बार फिर काउंटर पर जा रहे हैं अच्छा मौका है बट चलाकी के साथ क्लियर किया वाकई में हॉकी बाई चलाकी देखी जा रही है इस वक्त। सीधे अगर जाते तो यकीनन ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते थे लेकिन रिवर्स की तरफ पता नहीं हमारे खिलाड़ी क्यों जो है रिवर्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं सामने बिल्कुल ओपन था। अच्छी इंटरसेप्शन बहुत खूबसूरत इब्रार अच्छा खेल रहे हैं सेंटर में बनु पैंथर की तरफ से और राइट साइड से ये मूव साइड लाइन लिया इब्रार और उसामा और लेफ्ट की तरफ ये बॉल दी मुईन को बॉल देना चाहते थे इंटरसेप्ट हुआ मुईन के पास बॉल ऊपर देख रहे हैं राइट साइड पे बॉल दी उसामा के पास बॉल अच्छा स्टिक वर्क उसामा बशीर की जानिब से बट वहां पर अफराज मौजूद थे जिन्होंने अपनी बॉडी को लाइन पे लगाया और रोकने में कामयाब हुए कि लगी भी है उनको। बिल्कुल रोमान का ये बैक पास और इब्रार ने बिल्कुल स्ट्रेट बॉल देने की कोशिश की कि वो टैप करें कनेक्ट करें इस बॉल को। अगर डिफ्लेक्शन हासिल करना चाहते थे तो बॉल की डायरेक्शन गोल पोस्ट की तरफ होनी बहुत ज़रूरी है ताकि डिफ्लेक्शन हल्की सी भी हो तो वो गोल पोस्ट की तरफ जाए इसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा राइट पे थी एटलीस्ट मीटर अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट। हाँ बिल्कुल वो असल में उसको सही अपनी प्लेसिंग नहीं कर सके और इरादा तो यही था क्योंकि वो इब्रार की जो हिट थी वो उसकी यही वो चाह रहे थे कि इसको डिफ्लेक्ट किया जाए कनेक्ट किया जाए रास्ते में लेकिन वो पोजीशन नहीं दे सके उस तरह।
प्रॉब्ली अगर जो टैप करने वाले प्लेयर थे उनके राइट साइड पे बॉल होती है वो सीधी हॉकी से डिफ्लेक्शन देते तो पॉसिबल हो सकता था, बट अगर वो उस बॉल को रोक कर डिफ्लेक्ट करना चाहते तो दैट डज नॉट लॉजिकली मेक सेंस. बिल्कुल बिल्कुल. ट्राइबल लाइन नदीम, अच्छा बॉल दिया, इंटरसेप्ट हुआ, कोशिश में है बनु पैंथर्स पोजीशन ऑफ बॉल ली जाए, लेकिन देखा जाए तो पोजीशन ऑफ बॉल ट्राइबल्स के साथ ज़्यादा है क्योंकि यूटिलिटी फॉरवर्ड्स. और देखें हमाद अंजुम, हमाद बिल्कुल, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काविश है कि हमारे जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए खेल रहे. दानिश अगर आप क्या कहेंगे हमारी खवातीन खिलाड़ियों को भी अगर आगे आने का मौका मिले, हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो क्या समझते हैं नया टैलेंट सामने खवातीन का आएगा, क्या कहेंगे आप इस वाले से? मीनवाइल एक और पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पर मिला है ट्राइबल एरियाज की टीम को और ट्राइबल लाइन्स, देखना होगा कि यहाँ पर गोल करने में कामयाब होते हैं. अब दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसा, वील कम ऑन टू इट. और खवातीन की बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, हम बस बात करते हैं ये पेनल्टी कॉर्नर देख लें, इंपॉर्टेंट मोड है ये. अगर यहाँ पर ट्राइबल लाइन्स एक और गोल कर लेते हैं तो दो गोल्स की लीड हो जाएगी ट्राइबल लाइन्स के पास. बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है ट्राइबल्स को अपनी बर्तरी और अपनी टॉप सीडिंग को करने के लिए. यकीनन हम जब दोबारा आए हैं और उसी फैशन में वही ड्रिल राना फेंकेंगे और बॉल रोकी और नहीं रोक सके. हमाद हैं और हमाद ने डायरेक्ट बॉल देने की कोशिश की लेकिन अपिश थी और इस तरह ये खतरा टला. खवातीन के खेल की तरफ आते हैं और यकीनन दानिश ये बहुत अच्छा वो है कि हुकूमत वक्त की तरफ से ये कहा गया कि बेहतरीन सहूलतें जो कि मेल प्लेयर्स को ज़रूरी हैं वो फीमेल को भी होनी चाहिए और यही वजह है कि हमारी मुख्तलिफ एकेडमीज़ पे और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे फीमेल को बाकायदा से टाइमली जो है उनको प्लेस किया गया है और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो भी आएँ और वो खेलें और हमारी खवातीन की बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी है. बिल्कुल इजाज़ साहब, अगर आप देखा जाए तो हमारी खवातीन खिलाड़ी को बिल्कुल आगे आने का मौका देना चाहिए. जो कौमी खेल है हॉकी उनको जो है आगे आना चाहिए था कि यही नया टैलेंट सामने आता है. मीनवाइल खतरा हो सकता है. ओह दैट वाज रियली गुड अटेम्प्ट, बहुत खूबसूरत चांस था ये और मिस किया. ये यकीनन अच्छा मौका था बनु पैंथर्स के लिए लेकिन रोमान जो है ये यूटिलाइज नहीं कर सके इस चांस को. और जैसा कि आपने खवातीन हॉकी प्लेयर्स का तो शिबा कल आपने देखा कि खवातीन के यहाँ ट्रायल्स हुए जो कि इंटर प्रोविंशियल गेम्स के लिए हॉकी के इवेंट के लिए यहाँ ट्रायल्स किए और रशीदा गजनवी जो डायरेक्टर फीमेल हैं, दानिश यहाँ डायरेक्टर फीमेल एक बैठी हैं रशीदा गजनवी और उसको सारे अफेयर्स वो देख रही हैं फीमेल गेम के हवाले से. तो यहाँ कल ट्रायल्स भी हुए इसी पिच पे खवातीन के और टीम बनी खैबर पख्तूनख्वा की जो रिप्रेजेंट करेगी इंटर प्रोविंशियल हॉकी चैम्पियनशिप में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करेगी. तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन इकदाम है, खवातीन को भी उसी तरह अपॉर्चुनिटी फराम की जा रही है. जी मीनवाइल रोमान बॉल लेकर आगे बढ़े, बॉल पास की मुइन शकील को, मुइन शकील इज ट्राइंग टू मेक हिज वे टुवर्ड्स द डी. अच्छी बॉल मुइन शकील की पर उसको सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए रोमान. Still got the foul in his favor. अच्छा दानिश थोड़ा सा कट इन पीसेस है बनू पैंथर्स अगर थोड़ा सा ये और ये बॉल खतरनाक साबित हो सकती थी गोलकीपर के टांगों से बॉल निकली लेकिन क्लियर किया और बड़ा अच्छा डिसीजन ये हारून का. देखिए that was a really big error by the goalkeeper. वहां पर डिफेंडर मौजूद थे, he was lucky के सही जगह पर मौजूद थे नदीम. बिल्कुल, और नदीम ने लेकिन उससे पहले उनका कैरेट हो चुका था और अच्छी डिसीजन दी. अगर ये थोड़ा सा इसको लेट दे देते तो यकीन खतरनाक साबित हो सकता था. और राइट, एक बार फिर मौका बनू पैंथर्स के पास, तीसरा पेनल्टी कॉर्नर है बनू पैंथर्स का. ये मुइन शकील इंजेक्ट करेंगे बॉल को, अहम रोल में नजर आएंगे इब्रार, उनके साथ साथ जाकिर भी मौजूद, उसामा बशीर भी वहां पर मौजूद. उसामा सीम्स लाइक ही इज गोइंग टू टेक द ड्रैग फ्लिक
Ebrar will be acting as the stopper. अच्छी स्टॉप और ये बहुत शॉट किया, चांस दिया और मुहिम के लिए, और ये दोबारा पेनल्टी कॉर्नर. बड़ी तेजी दिखाई मुहिम ने और होना तो ये चाहिए था कि फौरन टॉप ऑफ सर्कल जो है ये. और देखें अभी ये ड्रिल के बारे में जरूर ये डिस्कशन करेंगे इसके. और वो इनिशियल सोच थी जिस पर उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर लिया, अब ऐसा लगता है कि चेंज करेंगे. बट ये हमने दूसरी बार देखा है कि मुइन को इन किया गया है, मुइन को वापस बॉल पास की गई है और उन्होंने अटेम्प्ट किया है. सो देखते हैं अब ये स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और ड्रैग फ्लिक की तरफ जाते हैं, एक बार फिर मुइन को एक्शन में लाया जाएगा. बिल्कुल जिस तरह ये ड्रिल कर रहे थे यकीनन. और ये रुकी और टैप किया, स्लो पुश थी, दोबारा बॉल ऊपर हवा में आई और रेंजर्स. थर्ड टाइम लकी, तीसरी बार गोल हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली स्लो पुश थी. अगर थोड़ी सी इसमें जान होती तो यकीनन कुछ खतरनाक साबित हो सकती थी. इस बार ऐसा लगता है कि तीसरी बार जो ये प्रेशर एग्जर्ट हुआ है यहाँ पर गोल हो सकता है, बट देखते हैं. पांचवा पेनल्टी कॉर्नर बनू पैंथर्स का और कंसेक्यूटिवली ये तीसरा, चौथा और पांचवा पेनल्टी कॉर्नर. मोर सपोर्ट कमिंग इन फॉर बनू पैंथर्स. आप देखें डी में मजीद लोगों ने ज्वाइन किया है. जी बिल्कुल, कुछ आखिरी लम्हात भी हो सकते हैं क्योंकि गोलकीपर जो है वो बाहर आ गए हैं. और I almost thought that was a goal. और इस तरह ये दूसरे क्वार्टर का खेल, जैसे कि मैंने बताया सारे बनू पैंथर्स टॉप ऑफ सर्कल आए हुए थे और इस तरह ये दूसरे क्वार्टर का 30 मिनट्स जो हैं वो पास ऑन. 15 मिनट्स का ईच क्वार्टर, दो क्वार्टर का खेल और एक गोल की बर्तरी हासिल है ट्राइबल लाइंस को. बहुत कोशिश में ट्राइबल लाइंस के अपनी इस बर्तरी को कंसोलिडेट किया जाए, डबल किया जाए, लेकिन उस तरह से राणा वहीद को भी चांस नहीं मिला और उस तरह से वो उसको टाइम नहीं कर सके. देखें ये रहा, कोशिश जरूर की गई बनू पैंथर्स की जानिब से और बड़े अच्छे अटेम्प्ट्स थे, काफी इफेक्टिव अटेम्प्ट्स थे, लेकिन हर बार कभी डिफेंस लाइन ने गोल को नाकाम बनाया. और दूसरी जानिब अगर हम राणा वहीद की बात करें, क्या बिजली की रफ्तार से अब तक खेलते आए हैं और बड़े जबरदस्त मूव क्रिएट करते आए हैं. उनको खूबसूरती से फीड किया है माद अंजुम ने और अफराज ने. जी बिल्कुल, ये जो इनकी कॉम्बिनेशन बनी है, देखें बहुत खूबसूरत गोल किया ये अमजद ने और बिल्कुल नैरोली गोलकीपर बीट हुए. बड़ी स्पीड अप और फोर्सफुल ये गिराया गया और मुइन को, और इस तरह ये पेनल्टी कॉर्नर एक और उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर सके गोलकीपर का ये सेव. ये देखें ये भी चांस था और ये भी मुइन का ये अटेम्प्ट गोल पोस्ट से बाहर. ये एक और पेनल्टी कॉर्नर देखें लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सके. इस तरह एक गोल की बर्तरी, दूसरा क्वार्टर का खेल लाला अयूब हॉकी स्टेडियम से जियो सुपर बराए राज दिखा रही है हमारे नाजरीन को. और यकीनन ये खेल का पहला हाफ जी. बिल्कुल, हाफ टाइम स्कोर आपके सामने, बनू पैंथर्स 0 ट्राइबल लायंस लीडिंग बाय अ गोल. इट्स 1-0 इन फेवर ऑफ ट्राइबल लायंस. वी विल टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक विद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकंड हाफ. जियो सुपर के साथ रहिए.